बरेली थाना भोजीपुरा के गांव प्रहलादपुर निवासी विनोद कुमार के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर थाना भोजीपुरा प्रभारी की शिकायत की। विनोद कुमार ने बताया, गांव प्रहलादपुर में एक दर्जन के लगभग लोगों पर 107/116/151 लगा दी। इससे नाराज होकर गांव के लोगों ने आज उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत की। शिकायत के दौरान विनोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह, सियाराम पुत्र हेमराज, सोहन लाल पुत्र छेदालाल, मुन्ना लाल पुत्र बालक राम, बुद्ध सेन पुत्र नुक्ता प्रसाद, श्यामलाल पुत्र पूरन लाल आदि मौजूद रहे। जी विनोद कुमार, जी मेरा मामला यह किसान एकता संघ ग्राम ब्लॉक अध्यक्ष भोजीपुरा, मतलब ब्लॉक अध्यक्ष विकासखंड भोजीपुरा, और मेरे गांव में ग्राम प्रहलादपुर में प्रधान जो है, वर्तमान जो प्रधान है सौरभ खां, वो विरोधी है, और विपक्षी दूसरा प्रधान जो पूर्व प्रधान है श्यामलाल प्रधान, उषा देवी पत्नी, उन्होंने जो है 107/116 बनवाई है गांव में। जी गांव में हिंदू मुस्लिम की विडंबना से 15 तो हिंदू हैं और करीब ये पता नहीं मुस्लिम लोगों पर कितने हैं, कितने लोगों पर 107/116 लगाई है? शायद मेरे अंदाज 85 लोगों पर है। किसने लगाई है? जी ये प्रधान, ग्राम प्रधान के सहयोग से हेड कांस्टेबल इखलाक अहमद, और उसने मेरे गांव के दो एडवोकेट हैं, एक मतलब कातिब है उसका नाम है प्रेमपाल आज़ाद और एडवोकेट का नाम है प्रमोद कुमार यादव। जी इन लोगों ने, इनके सहयोग से हम लोगों के ऊपर 107/116 का मुकदमा प्रमोद कुमार की बैठक में बैठ कर किया गया है। जी पूर्व प्रधान श्यामलाल, बताता रहा हूँ, पूर्व प्रधान श्यामलाल बा बुद्ध सेन BDC, विनोद कुमार ब्लॉक अध्यक्ष किसान एकता संघ, और सोहन लाल छेदालाल, बालक राम मुन्ना लाल, और सियाराम हेमराज, और मतलब बाकी और करीब 15-20 लोग हैं, कुछ का नाम मुझे पूर्ण रूप से बचे हुए लोग हैं। हाँ सब पे 107/116 थाना भोजीपुरा। और जी मेरा कहना ये, जो इखलाक अहमद है ये पहले भी एक दो केसों में वंचित रह चुके हैं, मुझे मेरे थाने से इखलाक अहमद को हटाना है, बल्कि ये कुछ कृत्य ऐसे हैं इनके कि ये मैं कुछ कह नहीं सकता, जो इखलाक अहमद हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।